फ्रेंड्स एंड फूडी, दिस इज प्रिया। वेलकम टू माय हैप्पी किचन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट डिश। आप गैस कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स देख के। चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा, जो हर एक स्टेट में अपनी अपनी तरह से बनता है। बट मैं अपनी तरह से जैसे बनाने वाली हूँ, मैं आपको वो वे सिखा दे रही हूँ। तो उसके लिए देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा पटेटो स्मॉल चॉप्ड करके रखा है इस तरह से। 2 अनियंस हैं, उनको भी रफली स्मॉल चॉप किया हुआ है। कुरिएंडर लीव्स हैं। एक टोमेटो है जिसको मैंने सीडलेस कर दिया है और उसको पतला पतला चॉप कर दिया है। कुछ करी लीव्स हैं। ग्रीन चिली है और ये पीनट्स हैं। ये बहुत ही अच्छी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डिश है, क्योंकि ये कार्ब्स का अच्छा सोर्स है। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो कार्ब्स प्लस प्रोटीन से बढ़कर और क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर्स द पोहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रनिंग वाटर में 3 से 4 बार पोहा को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पोहा को मैंने वॉश कर दिया है 3 से 4 बार रनिंग वाटर में। अच्छे पोहा बनाने की ई पॉइंट यही है कि आप जितना अच्छा हो सके पोहे को अच्छे से वॉश कीजिए, जब तक पानी एकदम क्लियर नहीं हो जाता है, नहीं तो कभी कभार पोहे में से स्मेल आती है। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर पोहे को ड्रेन होने के लिए रख दिया है, जैसे कि इसका बाकी बचा हुआ पानी भी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना गैस। पैन जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल जब तक गर्म होता है, मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि पोहे में हमेशा ऑयल थोड़ा आप ज़्यादा डालें, नॉर्मल से ज़्यादा डालें, ताकि पोहा एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहे। मतलब एक एक दाना उसका अलग अलग दिखेगा आपको अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जितना मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। इसको क्रैकल होने देंगे अच्छे से। मस्टर्ड सीड्स के बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, 1/4 टीस्पून जितना। उसके बाद केयरफुल होके आप इसमें करी लीव्स डालें। करी लीव्स के बाद हम इसमें डालेंगे पीनट्स, सिंग के दाने। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी पोटैटो। पोहे में वैसे तो हींग नहीं पड़ती है, बट ये मेरा पर्सनल टच है कि मैं इसमें 1/4 टीस्पून जितना हींग पाउडर भी डालती हूँ। आप भी ये मेथड जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसे लगा मेथड। करीबन 10-20% जितने पटेटोज फ्राई हो जाएं, मैं इसमें डालूंगी अनियंस। बट मैं इसमें अनियन पूरे के पूरे बाउल नहीं डालूंगी, इसमें से हाफ अनियंस डालूंगी और बाकी के अनियंस मैं लास्ट में डालूंगी टोमेटोज के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, ग्रीन चिलीज मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर सिम पे, मतलब मीडियम हीट पे, इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, जब तक पटेटोज अच्छे से गल नहीं जाते हैं। हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। हिंग और कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। चेक कर लेते हैं, पटेटोज बिल्कुल गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आते हैं पोहे, पोहे के बाद मैं इसमें डालूंगी बचा हुआ अनियन। अनियन मैंने लास्ट में इसीलिए डाला क्योंकि ये अच्छा सा बाद में क्रंच देता है। टमेटोज, कुरिएंडर लीव्स, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हल्दी पाउडर पोहे के हिसाब से अभी डालना है। मैं इसमें रेड चिली पाउडर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ ग्रीन चिली का ही फ्लेवर पसंद है। अगर आपको पसंद हो ज़्यादा तीखा खाना और रेड चिली ज़्यादा पसंद हो, तो आप इस स्टेज पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को स्विच ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर मैं डालूंगी कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस। मिक्स इट वेल अगेन।
पोहा हमारे रेडी हैं बिल्कुल। अब हम इसे डालेंगे सर्विंग प्लेट में। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहा है, रेड ग्रीन येलो ऑल कलर्स हमें अगर ब्रेकफास्ट में मिल जाएं दिखने को और खाने हो तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सर्व करेंगे सिंपली विद द वेज ऑफ लेमन। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।